यूपी के महाराजगंज जनपद में फायर सर्विस में तैनात एक सिपाही का शराब के नशे की हालत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायर सर्विस में तैनात एक कांस्टेबल की ड्यूटी नवरात्रि पर्व को देखते हुए लगाई गई थी, लेकिन सिपाही ड्यूटी के वक्त ही शराब के नशे में मऊ पाकड़ चौराहे पर अपनी वर्दी को उतार कर कंधे पर रखकर और टोपी को हाथ में लेकर लड़खड़ाते हुए टहल रहा था। उसके बाद सड़क पर दुकान लगाए लोगों से खाने वाला सामान मांग कर खाने लगा। वहीं लोग नशे में धुत सिपाही का वीडियो बनाने लगे। नशे में धुत सिपाही के इस रवैये से दुकानदार परेशान हो गए। नशे में धुत सिपाही को नशा इस तरह चढ़ा हुआ था कि घंटों मेले में वो इसी तरह घूमता रहा। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि वीडियो देखने के बाद वर्दी पहनकर सिपाही का व्यवहार आपत्तिजनक पाया गया, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा चुका है। मैं मीडिया से हूँ, कोई भी हो, कुछ भी हो यार, ऐसा ना करो। वो भी दिनांक 4/10/22 को फायरमैन भास्कर सिंह की ड्यूटी दुर्गा पूजा में कोतवाली सदर चौकी के पास लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान फायरमैन ड्यूटी स्थल पर नहीं गया, जिसकी तत्काल रिपोर्ट डीडी में अंकित कराई गई तथा वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया कि उप फायरमैन द्वारा अनुशासनहीनता बरतते हुए जनता में अनुचित व्यवहार किया गया, जिसके निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई हेतु आख्या पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय को प्रेषित की गई।